सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसिट चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले WBJEE 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका डिफिकल्टी लेवल, एंड इसके साथ ही साथ मार्क्स वर्सेस रैंक में कैसा क्या फर्क आ सकता है लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके, तो उसके बारे में डिटेल्स में आज का वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं, एंड मेरे साथ है स्वप्निल चक्रवर्ती, तो उसी से आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड वही सब कुछ बताएगा आज। तो चलो उसका पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, स्वप्निल चक्रवर्ती, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में। सो मैंने लास्ट ईयर WBJEE का एग्जाम दिया था, माय रैंक वाज अराउंड 1200। सो इस रैंक में डोमिसाइल में भी मुझे टॉप 3 ब्रांचेस नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने जादवपुर में पढ़ने के साथ साथ पार्शियल ड्रॉप लिया और इस साल मैंने WBJEE का एग्ज़ाम भी दिया है। सो अगर एग्ज़ाम डिफिकल्टी लेवल की बात किया जाए तो लास्ट ईयर से मतलब थोड़ा मॉडरेट लगा मुझे। जो मैथ्स का पेपर था वो लास्ट ईयर मुझे थोड़ा टफ लगा था, मेरा स्कोर भी ज़्यादा नहीं आया था, 30-35 अराउंड आया था। सो दिस ईयर मैंने मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा गया और मेरा स्कोर अराउंड 40-45 आ रहा है उसमें। फिजिक्स वाज बिट डिफिकल्ट देन लास्ट ईयर, केमिस्ट्री वाज ईजियर। सो ओवरऑल the paper difficulty level according to me was balanced because last year maths was a bit difficult but this year was not. हर साल ही तो क्वेश्चन पेपर एक बैलेंस ही आता है ना, तो मार्क्स वर्सेस रैंक में कुछ फर्क आ सकता है क्या लास्ट ईयर के कंपेयर में? मतलब थोड़ा आ सकता है क्योंकि जो मैथ्स रहता है वो मतलब 100 मार्क्स का आता है और मैथ्स जो है इस साल थोड़ा मतलब मॉडरेट आ गया है लास्ट ईयर से। सो जो मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं वो अगर स्कोर कर गए तो वहाँ पे रैंक का थोड़ा 5-10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। तो तुम्हारा मार्क्स कितना रहा इस साल अगर तुम शेयर करो तो अच्छा होगा। माय मार्क्स वाज अराउंड 105। ओ लकी, मतलब मैंने एक आंसर की मैच किया था पाथफाइंडर से तो उसमें आ रहा है इतना। अब कोई बार में कुछ अगर गलती हुआ होगा तो वो मैं नहीं बता, तो फिर वो अलग बात है, बट अभी जो कैलकुलेट करके आ रहा है वो 105 के आसपास आ रहा है। Yes, around 400. वो सही है। Last year my score was around 80. So जो marks versus rank actually आने वाला है वो last year से ज़्यादा कुछ difference नहीं आने वाला है, तो 5-7 marks इधर उधर हो ही सकता है क्योंकि appearing candidates and जो paper का difficulty level उसके ऊपर depend करता है। तो paper थोड़ा बहुत same भी मान सकते हो, but थोड़ा बहुत softening के मुताबिक तुम्हारा easy आया है last year से, तो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सेम बैलेंस ही आता है हर बार, तो थोड़ा बहुत 5-7 मार्क्स का इधर उधर हो सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ फर्क आने नहीं वाला है। तो मान के चलो मैंने जो प्रीवियसली मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो किया था उसको तुम मान सकते हो, एक एवरेज करेक्ट मान सकते हो। तो और भी अगर हमको लगता है कि कुछ चेंजेस लाना पड़े मार्क्स वर्सेस रैंक में तो ऑब्वियसली आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन यही तक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।